हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके काफ़ी कमेंट्स मिले हैं जो हमने कल वीडियो डाला था। काफ़ी रिक्वेस्ट आई आपके कि सर आप करवा दो कि जो NCERT की एक्सरसाइज है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों, मैं आज इसमें वीडियो में चार वीडियोस डालूंगा। इसमें हम 7th क्लास की जो NCERT की साइंस की बुक है उसके 19 चैप्टर हैं टोटल। इनमें से एक या दो जो चैप्टर हैं उनमें कोई भी है नहीं, तो 5-5 चैप्टर हम करेंगे और कंप्लीट 4 वीडियोज़ में ये बुक 7th की हम कंप्लीट कर देंगे आज और कल में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी साथी हैं उनसे ये वीडियो शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक काम और करना है, सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल का आइकन है उस बेल के आइकन को भी आप ज़रूर ही प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम नया वीडियो डालें। क्योंकि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं करते, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाता हमारी वीडियो का। तो आपको सबसे पहले हमारी वीडियो पाने के लिए ज़रूर ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो 7th क्लास की है उसके 5 चैप्टर इस वीडियो में करेंगे। उनकी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। पूरा डिस्कशन हम आपके जो ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद जो आपके पुलिस के एग्ज़ाम है उसके लिए NCERT बुक्स को कवर करवाने की कोशिश करेंगे। जो मेन हाईलाइट्स हैं जो चैप्टर्स की उनको हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ज़रूर ही हमारे साथ जुड़े रहिए आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, इसमें जो आप देख रहे हैं सामने आपके जो एक पेट दिख रहा है आपको इस वीडियो में, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में मैं आपको दिखा भी दूंगा। पहले ये पेट देख लीजिए आप। इसके ऊपर आपको जो येलो कलर में जो दिख रहा है जो पादप जिसको हम बोलते हैं अमर बेल या कसकटा, जो कि एक परजीवी है या पैरासाइट जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं, परजीवी हिंदी में बोलते हैं पैरासाइट, जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं और उसको बोलते हैं होस्ट। जिसके ऊपर ये डिपेंड होते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। जैसे ये पेड़ है, अब ये बेल इसके ऊपर डिपेंड है क्योंकि उसी से ये पोषण ले रही है ये अमर बेल। तो जो पेड़ है वो तो है होस्ट और ये है पैरासाइट। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमारा पहला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर, अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोप पैरासाइट सेप्टोट्रोप और होस्ट। मतलब कि जो कसकटा या अमर बेल है उसको हम, वो किस चीज़ का उदाहरण है, ऑटोट्रोप या जिसको बोलते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी जो पैरासाइट्स होते हैं परजीवी, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपना कुछ नहीं बना सकते भोजन परजीवी, जो होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं, दूसरों के ऊपर जो डिपेंड होते हैं उनको हम बोलते हैं परपोषी। सॉरी, परपोषी तो होस्ट होता है, उनको हिंदी में हिटरोट्रोप्स इंग्लिश में बोलते हैं। मैं एक बार आपको, हिटरोट्रोप्स बोलते हैं दोस्तों हिंदी में बोलते हैं इसको विषमपोषी, विषमपोषी। तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोप, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं वो होते हैं हिटरोट्रोप्स। तो हम जो क्वेश्चन देख रहे थे वो था हमारा 8th क्वेश्चन जो हम देख रहे थे, अमर बेल इसका उदाहरण है। तो ऑटोट्रोप तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो अमर बेल तो ऐसा करती नहीं है क्योंकि वो तो जो पेड़ होता है जो होस्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो ये एग्जाम्पल है परजीवी का, परजीवी का एग्जाम्पल है अमर बेल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कसकटा। इसके बाद हमारा सेकंड है बी पार्ट 8th क्वेश्चन का, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, कीटों को जो पकड़ के जो अपना आहार बनाते हैं जो पौधे, उनका हमें जो एग्जांपल है इनमें से चार जो ऑप्शन हैं उनमें से छांटना है कौन सा है सही है। तो जो थर्ड ऑप्शन है जो पिचर प्लांट जिसको बोलते हैं घटपर्णी, जो कीटों को पकड़ के अपना जो आहार है वो बनाते हैं घटपर्णी जिसको बोलते हैं पिचर प्लांट। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, संड्यू है, विनस फ्लाई ट्रैप है, ये भी जो कीट बक्सी जो पौधे हैं उनके उदाहरण हैं। तो ये भी कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शंस में दे देते हैं कि इनमें से कौन सा पौधा कीट बक्सी है। तो ये आपको तीनों पता होना चाहिए, पिक्चर प्लांट या घर्तपर्णी या दो और ऑप्शन जो मैंने आपको बताए। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो होगा जो पिक्चर प्लांट है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। कई जो क्वेश्चन हैं जो अभी 2 दिन में एग्जाम हुए हैं 10 और 11 को, 4 या 5 क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ एज इट इज NCERT की जो बुक्स हैं उनकी एक्सरसाइज में से उठाए हुए हैं और उनका मिलान करना है सही मिलान। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपके आने वाले किसी एग्जाम में एक में पूछा जाए।
तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है पत्तियों के अंदर, आपको पता है जो पिगमेंट होता है जिससे फोटोसिंथेसिस किया जाता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पत्ती के अंदर। और हाँ दोस्तों, जो अमरबेल हमने ऊपर पढ़ा था, जो कसकटा जो पहला ये क्वेश्चन था, इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो नहीं होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए, आपको चार ऑप्शन दिए जाएँ, उनमें से आपसे पूछा जाए कि इनमें से किस पादप में क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती है, तो अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, येलो कलर की ये बेल होती है और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो इसमें हमें मिलान करना है सही, तो क्लोरोफिल का हो जाएगा लीफ। इसके बाद जो सेकेंडरी है, जो सेकंड है नाइट्रोजन, ये संबंधित है इसमें, इस चैप्टर के हिसाब से बैक्टीरिया संबंधित है, क्योंकि जो नाइट्रोजन जो फिक्स करते हैं, जो जीवाणु बुक में अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम आपको बताएंगे कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो लेग्यूम्स या जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में उपस्थित होता है, और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है राइजोबियम जीवाणु। इसके बाद थर्ड है अमरबेल। ये अमरबेल हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम। ये क्या है दोस्तों? पैरासाइट है, जो हमने 8th क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ा था। अमरबेल क्या है? एक परजीवी। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमल्स। जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में ही, हेटरोट्रोप्स, या जिनको हम बोलते हैं विषमपोषी, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं विषमपोषी, या हेटरोट्रोप जो खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रोप्स। और एक होता है परपोषी, जो होस्ट के ऊपर, जो किसी दूसरे के ऊपर ही रहते हैं, जैसे वो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अमरबेल वाला, उसी पेड़ के ऊपर वो अपना निवास स्थान बना लेते हैं और वहीं से अपना पोषण लेते हैं। तो वो एग्जाम्पल था परपोषी का या पैरासाइट का। इसके बाद इंसेक्ट्स, ये है कीट बक्सी। तो इनमें से आपने जो सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था वही है, पिचर प्लांट जो है जो कीटों को पकड़ लेता है। एक बार आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये आप जो देख रहे हैं ये एक पिचर प्लांट है। ये इस टाइप से बंद हो जाता है, जब इसके अंदर कोई कीट अंदर घुस जाता है तो ये जो ढक्कन दिख रहा है आपको ऊपर, ये बंद हो जाता है। तो दोस्तों, हमने पहला जो चैप्टर है उसके सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम जो सेकंड चैप्टर है उसको करेंगे। सेकंड चैप्टर है दोस्तों हमारा न्यूट्रिशन इन एलिमेंट्स, एनिमल्स, जो जंतु हैं उनमें पोषण किस प्रकार से होता है। जब हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे उस टाइम आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल समझाने की कोशिश की जाएगी। तो अभी तो हम इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि उसी में एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन शामिल हैं। तो जो हमें इनका भी मिलान करना है, तो जो सलाइवरी ग्लैंड होता है आपको पता है हमारे मुख में प्रेजेंट होते हैं, जिनको लार ग्रंथियां हम बोलते हैं, हमारे मुख से ही पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कई बार आपसे पूछा जाता है पाचन प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, एक एंजाइम है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टाइलिन, ये इसका पुराना नाम होता था, और अब इसका जो नया नाम आपको बुक्स में मिलेगा वो मिलेगा सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, या ओनली अमाइलेज भी मिल सकता है, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ये प्रेजेंट होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारे मुख में उपस्थित, वो ये स्रावित करती हैं। तो हमारा जो पहला है वो मिलान कर देंगे हम सलाइवा सिक्रीशन, या क्या बोलेंगे इसको, लार उत्सर्जन करती हैं ये। इसके बाद जो सेकंड है स्टमक, या जिसको बोलते हैं अमाशय, इसका क्या फंक्शन है? आपको पता है हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होती है HCl, डायरेक्टली भी कई बार पूछ लेते हैं हमारा जो अमाशय है कौन सी जो अमल है उसका सिक्रीशन करता है, तो ये करता है दोस्तों एसिड रिलीज और HCl, इसका ये मैच हो जाएगा, पहले वाले का ये हो गया था। इसके बाद थर्ड है लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीशन। ये भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो पित्तरस का श्रावण हमारे शरीर में कौन करता है? लीवर, जिसको बोलते हैं यकृत। लेकिन जो इसकी स्टोरेज होती है ये केवल सिक्रीट करता है, इसके अंदर इसका भंडारण नहीं होता है। जो पित्तरस होता है उसका भंडारण गाल ब्लैडर में होता है, एक थैली रूपी एक स्ट्रक्चर होता है हमारे शरीर में, उसके अंदर ये स्टोरेज होती है, जो बाइल होता है जो काम आता है। ये भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि जो बाइल है, जो फैटी एसिड्स हैं उनके पाचन में क्या काम आता है, जो पित्तरस होता है, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके पाचन में हमें काम आता है, जो तैलीय पदार्थ होते हैं भोजन में उनको पचाने के लिए।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रेक्टम। रेक्टम दोस्तों जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एक पार्ट है। ये क्या करता है, रिलीज ऑफ फिशिज, मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं मलाशय। ये क्या करता है, मल का त्याग करने में हमारी मदद करता है। एक ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, मल त्याग में हमारी मदद करता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का तो आपको पता होगा, छोटी आंत और बड़ी आंत हिंदी में बहुत मुश्किल है बायोलॉजी, मैं आपको बता देता हूँ। चुदांत्र बोलते हैं छोटी आंत को और बृहदांत्र बोलते हैं बड़ी आंत को। तो आप देख लीजिए इंग्लिश आसान है या हिंदी। तो दोस्तों इनके हमें फंक्शन है वो हमें पता लगाने हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो हमारे भोजन की प्रक्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है, तो जो पाचन का पूरा होता है वो इसी से हम इसका मैच हो जाएगा। इसके बिल्कुल सामने जो हमारी छोटी आंत है उसमें भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन क्या है, जल और जो मिनरल्स हैं, जो लवण हैं जो हमारे शरीर के काम आ सकते हैं, उनका अवशोषण करना, वो हमारे शरीर से बाहर ना चले जाएं, क्योंकि जल की काफ़ी मात्रा में हमें ज़रूरत होती है। बहुत मेन पार्ट ये रोल जो निभाते हैं जल, तो इसलिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका क्या काम है, जो जल अवशोषण करना, जल का अवशोषण। बड़ी आंत क्या करती है, जल का अवशोषण। जो हमारे भोजन में जो अनपचा भोजन होता है उससे जल का अवशोषण कौन करती है, बड़ी आंत। तो दोस्तों ये सेकंड चैप्टर था, इसके हमने क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस वाले तो कोई था नहीं, केवल ये एक मैच द फॉलोइंग वाला था, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें हमारे एक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, अब आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। 6 पार्ट तो ये थे, इनके अलग अलग भी पूछ लेते हैं। और इसी के अलावा मैंने एंजाइम्स आपको बताए, एसिड कौन सी रिलीज होती है, बाइल कौन रिलीज करता है, बाइल कहाँ पर स्टोरेज होता है, जो पित्रस होता है कहाँ पर स्टोर होता है, कहाँ से उसका उत्सर्जन होता है, एंजाइम कौन सा मौजूद होता है, और कौन सी जो हमारी आंत है वहाँ पर भोजन की जो पूर्ति जो पूर्ण होता है। तो ये कई क्वेश्चन हमारे हो गए, कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से कम्प्लीट हो गए। दोस्तों ये हमारा सेकंड चैप्टर था, कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर देखते हैं। इसमें हमारे दोस्तों 3 क्वेश्चन बनेंगे, 2 तो है मल्टीपल चॉइस और 1 है मैच द फॉलोइंग वाला। इतने हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। द सिल्क वॉर्म इज ए कैटरपिलर और ए लार्वा, बी पार्ट, दोनों इनमें सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें जो सही है उसका चुनाव करना है। तो हिंदी में जो रेशम कीट है उसको जो कैटरपिलर और लार्वा हिंदी में भी यही बोलते हैं, तो दोनों ही ये रेशम का जो कीट है उसी की अवस्थाएं हैं दोस्तों, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो लार्वा की एक ये अवस्था भी कई बार पूछ लेते हैं, प्यूपा। प्यूपा का संबंध किससे है, रेशम कीट के लार्वा से संबंधित है, ये उसी की एक अवस्था है। अलग अलग अवस्थाएं हैं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम आपको बिल्कुल कवर करवा दिए जाएंगे सारी चीज़ें। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, मतलब कि जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से हमें किससे ऊन की प्राप्ति नहीं होती है। तो आपको पता है याक जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पर मौजूद होता है, एक जंतु बड़े भैंस के आकार का, उससे भी बड़ा होता है, ऊन होती है इसके शरीर पर काफ़ी मात्रा में, उससे ऊन मिलती है, ऊँट से हमें ऊन मिलती है, भेड़ से और बकरी से दोनों से मिलती है। तो इसमें जो वूली डॉग है, जो घनी ऊन वाला जो कुत्ते होते हैं आपने देखे भी होंगे कई, तो उनसे हमें कोई भी ऊन की प्राप्ति नहीं होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग वाला है दोस्तों। इसमें पहला है स्कोरिंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं अभिमार्जन। ये एक प्रक्रिया होती है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जिससे हम जो ऊन जो होती है जो काटी गई होती है उसकी सफाई की जाती है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कोरिंग और हिंदी में बोलते हैं अभिमार्जन। तो अभिमार्जन का संबंध किससे है, काटी गई ऊन की सफाई करने से। इसके बाद जो सेकंड है मलबरी लीव्स, जो शहतूत की पत्तियाँ होती हैं उनका संबंध किससे है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये शहतूत की जो पत्तियाँ होती है जो रेशम का जो कीट होता है उसका भोजन होती है, फूड ऑफ सिल्क वर्म, जो रेशम कीट है उसका भोजन। इसके बाद थर्ड है याक, ये ऊपर भी मैंने आपको बताया, इससे हमें क्या मिलता है, याक से ऊन देने वाला एक जंतु है, वूल यील्डिंग एनिमल। इसके बाद जो लास्ट है कोकून, कोकून इससे हमें रेशम का जो फाइबर होता है वो हमें इससे मिलता है, ये जो अंडे हैं उनको एक उपयुक्त तापमान पर रखा जाता है, उसके बाद एक स्टेज आती है, तो कोकून से हमें क्या मिलती है, रेशम का जो फाइबर होता है वो हमें मिलता है। तो दोस्तों हमारा ये थर्ड चैप्टर था, थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें यही 3 क्वेश्चन थे,
एक्सरसाइज में। वैसे तो काफ़ी जो ये चैप्टर्स हम इनको पढ़ने लगेंगे तो एक चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बनेगा कम से कम 15 से 20 मिनट का, वो भी हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो दोस्तों अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये हमारा दोस्तों फोर्थ चैप्टर जो है उष्मा, जिसको हीट इंग्लिश में हम बोलेंगे, उष्मा हमारा फोर्थ चैप्टर है। इसमें मैच द फॉलोइंग का ये एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है। जो लैंड ब्रिज है जिसको थल समीर या थल वाली जो हवा है जिसको बोलते हैं, दिन में आपको पता है जो दिन के समय जो धरती या जो थल है वो जल्दी गर्म हो जाता है समुद्र की अपेक्षा, और वहाँ की जो वायु होती है ऊपर उठती है गर्म हो गए क्योंकि वो हल्की हो जाती है ऊपर उठती है, तो वहाँ पर जो गैप होता है उसको कवर करने के लिए जो सथल से हवा बहती है समुद्र की ओर, सॉरी समुद्र से थल की ओर आती है क्योंकि वहाँ पर गैप कम हो जाएगा क्योंकि जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो वहाँ पर जो गैप होगा जो उसका जो खाली स्थान होगा उसको स्थान लेने के लिए समुद्र से वहाँ की ओर हवा चलेगी, इसको बोलते हैं समुद्र समीर। और जो दूसरी होती है जो इसके रिवर्स होती है, मतलब कि समुद्र शरीर अगर आपसे बोला जाए तो समुद्र जो समीर होती है वो बहती है समुद्र से धरती की ओर, और आपसे बोला जाए थल समीर तो थल समीर बहती है थल से समुद्र की ओर। तो ये दोनों आपसे पूछा है ये इनमें से कौन सा काम दिन में होता है और कौन सा रात में होता है। तो दिन में तो होगा आपको पता है, मैंने आपको बताया जब जो धरती की हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी तो समुद्र से धरती की ओर हवा आएगी उसका स्थान लेने के लिए, तो सेकंड वाला हो जाएगा दिन में। और जो थल समीर है वो क्या होगी उसका बिल्कुल रिवर्स, क्योंकि जो रात के समय जो है वो समुद्र का जल धरती की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होगा, इसलिए धरती से समुद्र की ओर हवा बहेगी, उसको हम क्या कहेंगे थल समीर या लैंड ब्रिज। तो ये कब होगी रात को, तो आपको याद रखना है दिन में हवा बहती है समुद्र से धरती की ओर और रात में बहती है धरती से समुद्र की ओर, तो दोनों बातें यही बात इसने पूछी है हमसे, तो ये दोनों हमने मैच द फॉलोइंग में मैच कर दी हैं। इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ हैं बिल्कुल ईजी हैं कि हम जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं उनको कब प्रेफर करते हैं। थर्ड ऑप्शन यही है, गहरे रंग के डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग, कि जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं उनको पहनना हम कब पसंद करते हैं। तो आपको पता है सर्दियों में पसंद किए जाते हैं, क्यों पसंद किए जाते हैं, ये बी से मैच हो जाएगा। सर्दियों में इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि आपको पता है उष्मा का अवशोषण कर लेते हैं, जो गहरे रंग के ब्लैक कलर्ड जो क्लोथ्स हैं या डार्क कलर्ड और भी क्लोथ्स हैं वो उष्मा का अवशोषण करते हैं, इससे हमें गर्मी मिलती है, तो सर्दी में हमें गर्मी चाहिए है आपको पता है, और जो गर्मियां हैं उसमें हमें चाहिए ठंड, तो ठंड के लिए हम क्या करते हैं हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जो फोर्थ ऑप्शन है। उससे क्या होता है जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं उष्मा को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, जिससे हमें ठंड का एहसास होता है क्योंकि जो सफ़ेद कलर है वो जो उष्मा को है उसको पूरी तरह से परावर्तित कर देता है, तो इसलिए ये हो जाएगा गर्मियों में जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स हैं, और जो डार्क कलर्ड क्लोथ्स हैं वो हो जाएंगे सर्दियों में। तो ये इसके बाद जो और क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, ये 8th क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर विल बी, मतलब कि एक तो 30 डिग्री वाला पानी है और एक है 50 डिग्री वाला, इन दोनों को हम मिला देंगे तो जो मिला हुआ जो मिश्रण है उसका तापमान क्या रहेगा। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। तो दोनों का जो तापमान है वो क्या होगा आपको पता है, दोनों के बीच में 30 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में रहेगा क्योंकि दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है MCQ, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि एक लोहे की गेंद है उसको एक मग है जिसके अंदर पानी है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पर है उसके अंदर डुबोया जाता है तो क्या होगा। अब आपको पता है ऑप्शंस भी ना हो तो भी हमें बिल्कुल ही इजी है कि दोनों का तापमान है तो जो सेम है दोनों का तापमान, तो उष्मा का कहीं से भी ना तो जो गेंद है उससे जो मग के अंदर पानी है वहाँ जाएगी गर्मी, और ना जो मग के अंदर पानी है उससे गेंद के अंदर उष्मा का चालन होगा, तो इसमें जो बी है वो आंसर सही होगा, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली और उष्मा स्थानांतरित होगी। इसके बाद नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन हमारा, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड, एक लकड़ी की एक चम्मच है
उसको आइसक्रीम की एक कटोरी है उसके अंदर डुबाया जाता है, तो उसका जो दूसरा किनारा है वो कैसा होगा? तो इसमें बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, आपको पता है जो लकड़ी होती है उसमें की कुछ अलग है, या हम जिसको बोलते हैं इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर जो सुचालक, और एक होता है कुचालक। सुचालक इसको बोलते हैं कंडक्टर को। तो जो लकड़ी है वो ऊष्मा का कुचालक है, तो इसमें डज नॉट बिकम कोल्ड, तो ये ठंडा नहीं होगा क्योंकि ये एक ऊष्मा का कुचालक है। ये चाहे गर्म चीज़ के अंदर दे दें हम तो भी ना तो हमें गर्म एहसास होगा, और चाहे बर्फ़ जो आइसक्रीम है उसके अंदर हम डाल दें तो भी ये ठंडा नहीं होगा। इसी ऊपर जो तीन चीज़ें हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तीन प्रक्रिया हैं जिनके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण एक चीज़ से दूसरी चीज़ में होता है। कंडक्शन आपको पता है कोई लोहे की रोड है, उसको हम एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इसको बोलते हैं कंडक्शन। जो पार्टिकल है, जो एक सिरे जिसको हम गर्म कर रहे हैं उससे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र होती है, इससे होती हुई वो दूसरे सिरे तक भी पहुँच जाती है। इसके बाद जो सेकेंड है जो कन्वेक्शन है, या जिसको हम बोलते हैं संवहन, संवहन होता है दोस्तों जो लिक्विड है, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं वो गैसें हैं, वो उसी में भी यही होता है संवहन। और जो थर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन। सूर्य से कई बार हम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य से हमें ऊष्मा किस प्रकार मिलती है, तो रेडिएशन या विकिरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इस जो प्रकार के जो प्रक्रिया है इसमें हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बिना किसी माध्यम के ये ऊष्मा का चालन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है उसको बोलते हैं विकिरण, बिना किसी माध्यम के। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11th क्वेश्चन हमारा, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो स्टेनलेस स्टील की कोई कढ़ाई, हम जिसको बोलते हैं पैन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जो एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है उसकी जो तली होती है आपने देखा होगा तांबे की होती है, वो क्यों होता है ऐसा? तो वो होता है इसलिए क्योंकि जो तांबा है वो ऊष्मा का अच्छा चालक है बजाय कि स्टेनलेस स्टील के, तो इससे जल्दी हमें खाना बनाने में मदद मिलती है, इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है इसमें सही आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील की उपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, थर्ड ऑप्शन। कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। एक क्वेश्चन ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेते हैं, टेफ्लॉन यूज किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर, जो भोजन जिनमें चिपकता नहीं उन बर्तनों में एक लेयर लगाई जाती है टेफ्लॉन की, जिससे कि उसमें भोजन चिपकता नहीं है, आपने देखे होंगे बर्तन ये, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये था हमारा फोर्थ चैप्टर दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा एसिड बेस सॉल्ट्स का, ये 10th में भी है दोस्तों ये सेम चैप्टर, उसमें थोड़ा लेवल इसका अच्छा दिया हुआ है, इसमें ये 7th क्लास है, इसमें भी ये 5th चैप्टर है, तो इसमें मल्टीपल चॉइस और कोई मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये जो टेबल है डू यू नो वाली, मैंने आपको कल भी कहा था वीडियो में कि डू यू नो वाले जो टेबल्स हैं, हाईलाइटेड जो टेबल्स हैं, उनको आप ज़रूर ही देख लीजिए, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, कुछ जो एसिटिक एसिड होती है सिरके के अंदर मौजूद होती है, जो चिट्टी होती है उसके अंदर कौन सी होती है, फॉर्मिक एसिड, और जो थर्ड है जो खट्टे फल हैं उनके अंदर नींबू संतरा, इनके अंदर कौन सी एसिड होती है, सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड होती है दही के अंदर, और लैक्टिक एसिड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कल वाले एग्जाम्स में आया था कि हम जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, ये जब ऑक्सीजन की अब्सेंस में, जो ऑक्सीजन है उसकी जब वो उपलब्ध नहीं हो पाती, जब हम कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं कई दिन के बाद तो मसल्स में फटीग हो जाती है, वो इसी के कारण होती है, लैक्टिक एसिड वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि ऊष्मा का जो ऑक्सीजन है उसकी अब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें लैक्टिक एसिड बनती है। उसके बाद जो ऑक्जेलिक एसिड, ये टमाटर और स्पाइनच पालक में मौजूद होती है। इसके बाद जो एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी जिसका नाम है, जो आमला और सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी इनमें होता है। इसके बाद जो टार्ट्रिक एसिड होती है, इमली में, अंगूरों में और जो आम होते हैं उनके अंदर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए आम के अंदर कौन सी एसिड होती है, अंगूरों के अंदर कौन सी होती है और इमली के अंदर कौन सी एसिड होती है, टार्ट्रिक एसिड।
इसके बाद दोस्तों ये कुछ यूजेज हैं, ये भी आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये भी, कौन सा किस में यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, सोप के अंदर, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो उसका विंडो क्लीनर में हम यूज़ करते हैं जो खिड़कियाँ और दरवाजे साफ़ करने के लिए, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लाइम वाटर या चूना जो पत्थर का जो पानी होता है उसमें ये मौजूद होता है। ऊपर भी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो टेबल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपके पास आपने जो बुक्स हैं वो डाउनलोड कर ली हैं तो आप ज़रूर ही जो ये डू यू नो वाली जो हाईलाइटेड टेबल्स हैं उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अब आप इसमें देख लीजिए इसमें कितने क्वेश्चन हैं। ईच सेल इन अवर बॉडी कंटेन्स एन एसिड, द डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हमारे हर कोशिका में मौजूद होता है DNA, तो उसकी फुल फॉर्म आपको पता चल गई। और आपसे पूछा जाए हमारे शरीर की हर कोशिका में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, अगर इसको पूरा नाम दिया जाए तो इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सी एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, अगर ये ना दिया जाए बस इतना ही दे दिया जाए इनमें से कौन सी एसिड हमारे कोशिका में हर कोशिका में मौजूद होती है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जो प्रोटीन्स दैट बिल्ड पार्ट्स ऑफ आवर सेल्स आर ऑल सो मेड ऑफ अमीनो एसिड, तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो बने होते हैं अमीनो एसिड के। इसके बाद जो फैट्स हैं, इन अवर बॉडी कंटेंस फैटी एसिड, फैटी एसिड हमारे शरीर में मौजूद होती है फैट्स के रूप में। तो दोस्तों ये इस टाइप की जो टेबल्स हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों हमने 5 जो चैप्टर्स हैं उनको कवर कर लिया है, हो सकता है आज ही एक और वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाए शाम तक, कोशिश रहेगी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों आपको जो और दोस्त हैं उनकी भी मदद हो सके, उनको भी आप बताइए हमारे चैनल के बारे में, और आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक आपका। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें तो। दोस्तों वीडियो आपको इसको शेयर बहुत करना है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।